बहुत सारे लोग इस बात को लेकर टेंशन में रहते हैं कि आखिर जो उसका जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए हैं तो उसका अभी तक घर पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं आया हुआ है, कहाँ फंसा है, कहाँ रुका है। तो वो जो है बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर हम क्या करें, कैसे चेक करें कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ फंसा हुआ है, कहाँ आके रुका हुआ है। सो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप ये चेक कर पाएंगे घर से, मोबाइल से, अपने लैपटॉप से कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कहाँ फंसा हुआ है, कहाँ रुका हुआ है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप घर बैठे ये चेक कर पाएंगे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, उसका स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप घर बैठे ये चेक कर पाएंगे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है और उसको आप कैसे स्टेटस चेक करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन है, इस पर इसे कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन मिल जाता है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पे आके ओपन हो सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाता है। अब सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर लेना है, आप कौन से स्टेट से। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है एप्लीकेशन स्टेटस का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये पेज आपका ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर है, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किए होंगे ना उसी टाइम में आपको एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाता है। तो आप अपना यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा है, कैप्चा है इसमें डालेंगे, स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल में तो कैपिटल में। अगर समझ में नहीं आता है कैप्चा तो यहाँ से आपको कैप्चा को क्या करना है, इस तरीके से आपको कैप्चा को रिफ्रेश कर लेना है। ये उसके बाद कैप्चा डाल के यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपका इस तरीके से पूरा डिटेल ये ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, नाम वगैरह, इसके बाद एप्लीकेशन डेट, कब आप जो डेट है आपका एप्लीकेशन डेट का, वो डेट ऑफ बर्थ, और इस तरीके से पूरा आपका जो आरटीओ नेम आ जाता है, फादर नेम आ जाता है, इस तरीके से पूरा ऑप्शन यहाँ पे आपका ओपन होके आ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं शो फोटो एंड सिग्नेचर, इस पर क्लिक करके आप इसको शो करके देख भी सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं रिक्वेस्टेड डिटेल्स, यहाँ पर आपका जो देख रहे हैं इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो चुका है और कौन कौन से क्लास के लिए है। यहाँ पर देखिए क्लास और व्हीकल, यहाँ पे मोटरसाइकिल विथ गियर और लाइट मोटर व्हीकल, मतलब चार चक्का और दो चक्का दोनों के लिए है। और यहाँ पे आपका जो है रेफरेंस लाइसेंस नंबर आपका यहाँ पे दे दिया जाता है। इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पर देखें डिटेल्स ऑफ द फॉलो कम्प्लीटली बाय द एप्लीकेशन, यहाँ पर देख रहे हैं इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ देख रहे हैं कि जो आपका फॉर्म है फिल एप्लीकेशन डिटेल ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ कम्प्लीट है। इस तरीके से यहाँ पे इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट वो भी कम्प्लीट है। इस यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे एक्सपेंडेड में है। इस तरीके से पेमेंट यहाँ देख रहे हैं कम्प्लीट है, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस स्लॉट जो है वो भी कम्प्लीट है। यहाँ पर देख रहे हैं डिटेल्स ऑफ द फॉलोस एट आरटीओ, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस सिक्योरिटी यहाँ कम्प्लीट है। इस तरीके से इसको आप जो है एक बार इसको रीडिंग कर लेना है आपको, जो इसमें आपको क्या सब इनकम्प्लीट है और यहाँ पे क्या सब कम्प्लीट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेरे केस में यहाँ पे सभी के सभी यहाँ पे कम्प्लीट है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइसेंस हैज बीन डिस्पैच, मतलब ये जो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है वो जो है डिस्पैच कर दिया गया है, सेंड कर दिया गया है मेरे एड्रेस पे। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्पैच डिटेल्स भी यहाँ पे आपको दे रखा है, डिस्पैच नंबर भी आपको यहाँ पे दे चुका है, यहाँ पर डिस्पैच डेट भी आपको 18/3/2021, और यहाँ डिस्पैच मोड भी यहाँ पे आपको दे चुका है, यहाँ पर डिस्पैच थर्ड पोस्टल सर्विस के द्वारा ये आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप जो है आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि स्पीड पोस्ट
ट्रैकर नंबर यहाँ पे आप दे रखा है, इस नंबर से भी आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे ये नंबर दे रखा है, इस नंबर को आप नोट करके रख लेंगे, इससे भी आप जो है ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख रहे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट और डिटेल, यहाँ भी आप जो है पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टेस्ट रिजल्ट है। यहाँ पे मोटरसाइकिल विथ गियर और लाइट मोटर व्हीकल के ये दोनों की पे जो है ये पास हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि रिजल्ट एंट्री डेट, यहाँ पे जो रिजल्ट हुआ था वो 13/3/2021 में जो है यहाँ पे आपका जो है ये पास कर दिया गया था। इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं रिलेटेड एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेंट, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दे दिया गया है, एप्लीकेशन डेट यहाँ पर दे दिया गया है, इसके बाद ट्रांजेक्शन यहाँ पर दे दिया गया और स्टेटस जो है यहाँ पर अप्रूव हो चुका है, वो यहाँ पर दे चुका है। सो इस तरीके से आप अपने जो है ड्राइविंग लाइसेंस उसका जो है स्टेटस पता कर सकते हैं कि आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस वो जो है बना है या नहीं बना है। तो मेरे केस में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पास हो चुका है, और मेरे केस में यहाँ पे आप देख चुके हैं कि यहाँ जो डिस्पैच भी हो चुका है 18/3/2021 को। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्पैच थर्ड पोस्टल सर्विस के द्वारा जो है मेरा ड्राइविंग लाइसेंस वो आने वाला है। सो इस तरीके से आप जो है बहुत ही ईजी तरीके से अपने ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस पता कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना है या नहीं बना है या पेंडिंग में है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे केस में जो है ड्राइविंग लाइसेंस हैज बीन डिस्पैच हो चुका है और मेरे एड्रेस पे ये पहुँचने ही वाला है पोस्टल सर्विस के द्वारा। अगर आपको चेक करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पीड पोस्ट ट्रैकर नंबर, इससे भी आप पता कर सकते हैं कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जो है अभी कहाँ पे आया हुआ है। सो गाइस, ये कुछ आसान तरीका था जिससे आप बहुत ही इजीली तरीके से आप ये पता कर पाएंगे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस वो बना है या नहीं बना है, इसमें क्या आपका कुछ कम्प्लीट है या इनकम्प्लीट है वो भी चेक कर पाएंगे, उसका रिजल्ट क्या है, पास है फेल है वो भी चेक कर पाएंगे, वो कब डिस्पैच हुआ है वो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे, वो उसका ट्रैकिंग नंबर है दिया है, इससे भी आप जो पोस्टल जो है सर्विस का उसको भी आप यहाँ इस ट्रैकिंग नंबर से इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपका जो है लाइसेंस हैज बीन डिस्पैच का ऑप्शन है, वो भी आपको यहाँ पे दे रखा है। सो गाइस, ये कुछ ऑप्शन है जो मैं आपको बताना चाहा इस वीडियो के माध्यम से। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ।